इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी, इमेजिनरी क्यों है अभी समझेंगे, ऑफ अर्थ फॉर विच द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी एट इक्वेटर विल बी जीरो इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है। ऐसा बोला जा रहा है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट होती रहती है, तो अर्थ कितनी तेज रोटेट हो कि यहां इक्वेटर पर कोई अपना वेट फील नहीं कर सके, वेटलेसनेस आ जाए, यही तो दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर विल बी जीरो। वेट मतलब क्या होता है, एम जी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट कब जीरो होगा, जब मास जीरो हो जाए, मास तो चेंज होता नहीं है, जी चेंज होता है। तो इतनी कितनी तेज घूमे कि यहां पर जी जीरो हो जाए, जी इफेक्टिव जीरो हो जाए और वेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अर्थ रोटेट करती है तो उसकी रोटेशन की वजह से जो रोटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज होता है उसकी वैल्यू होती है जी आर इक्वल टू जी जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसको हम 10 ले रहे हैं यहां पर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा, जहां आर जो है अर्थ की रेडियस है और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा जो है लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मीन्स कोई भी पॉइंट कितना एंगल बना रहा है। मान लो कोई यहां पर एक पॉइंट है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये है अल्फा। जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, यहां की बात करते हैं, तब ये पॉइंट नीचे आ जाता है घूम के और एंगल कितना बन जाता है, जीरो। जब हम इक्वेटर की बात करते हैं मीन्स, तो लैटिट्यूड एंगल अल्फा जीरो होता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करता है ये फॉर्मूला इस केस में। और क्या बोला हुआ है कि कितनी तेज घुमाए कि यहां पर वेटलेसनेस हो जाए यानी कि जी की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि रोटेशन की वजह से जो जी है इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि कितना हो जाए, जी हो जाए, इक्वेटर पे जी जीरो हो जाए, ये हो गया जीरो। तो इस फॉर्मूले को कैसे चेंज करूं, जी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय आर रूट में, जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 लेनी है और आर की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में करा, 1000 रूट के अंदर ये कट हुआ, अंदर कितने जीरो है, चार, दो बाहर आ जाएंगे और 64 इसका रूट हो जाएगा 8। तो वैसे ज्यादा फेमस जो इसका आंसर है 1/800 रेडियन पर सेकंड इसका जो है आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ तो आपको याद होना चाहिए 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.125 और ये दोनों जीरो ऊपर जाएंगे तो बनेंगे 10^-2। तो इसको अगर मैं जरा सा भी इधर भेज दूं एक पॉइंट, 1.25 × 10^-3 रेडियन पर सेकेंड।